नमस्कार दोस्तों, 2020 बस जाने ही वाला है और 2021 आने वाला है। और 2020 हम सभी के लिए कैसा रहा ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि 2021 में ऐसे कौन से बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा कौन सा काम करें जो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिलाए और जो हमेशा ही चलता रहे। तो आज हम जानने वाले हैं चार ऐसे बिजनेस के बारे में जो बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग है, हमेशा आपको प्रॉफिट देंगे और जो कभी भी बंद नहीं होंगे। जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या किसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं ये धंधा बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं इस धंधे में मंदी तो नहीं आ जाएगी, कहीं मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आज हम जिन चार बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें ना तो मंदी आएगी, ना ही वो कभी बंद होगा और हमेशा आपको प्रॉफिट दिलवाता रहेगा। 2021 में यदि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या उस सेक्टर में जॉब चाहते हैं जहां पर बहुत सारी ग्रोथ हो, तो आपको जाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में। जी हां, आज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहा है। आप सभी ने अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस का नाम तो बिल्कुल सुना ही होगा, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक है। अब अमेज़न कंपनी करती क्या है? अमेज़न एक जगह से एक प्रोडक्ट को लेती है और दूसरी जगह पर पहुंचाती है और इसके लिए वो कमीशन चार्ज करती है, इसीलिए आज वो दुनिया की नंबर वन कंपनीज में से एक है। आप सोचकर देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट अमेज़न कंपनी का है? बिल्कुल नहीं, वो प्रोडक्ट पहले भी मार्केट में अवेलेबल था और हमारे जैसे कस्टमर्स भी पहले से थे। अमेज़न ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके माध्यम से वो सामान को आप तक पहुंचाने का काम करता है और जिसकी वजह से आज वो इतना बड़ा बन गया है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो ट्रांसपोर्टेशन का काम ही कर रहे हैं। आजकल जब भी आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? आप स्विगी, जोमेटो या इस प्रकार की किसी भी एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं। आप सोच कर देखिए कि वो रेस्टोरेंट पहले से उपलब्ध था या नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन आप वहां तक जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति उस भोजन को आपके लिए आपके घर लाकर देता है। तो इनडायरेक्टली वो ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। इसके अलावा जब भी आपको कहीं बाहर जाना होता था तो पहले आप ऑटो या फिर पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल आप ओला और उबर का यूज करते हैं। अब देखा जाए तो ओला और उबर भी ट्रांसपोर्टेशन की सेवा ही आपको दे रहे हैं। तो इसलिए आप भी अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाइए और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। दूसरे नंबर पर जिस बिजनेस में आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है वो है फूड इंडस्ट्री। आप सभी को पता है कि भारत में खाना लोगों को कितना ज्यादा पसंद है। भारत में आपको हर 100-200 किलोमीटर के बाद एक अलग लैंग्वेज और एक अलग फूड खाने को मिल जाएगा, जो कि भारत की विशेषता है। तो यदि आप खाना बनाने और खिलाने के शौकीन हैं, तो आप फूड इंडस्ट्री में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये धंधा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तीसरी जगह जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा वो है एजुकेशन सेक्टर। हर भारतीय माता पिता का सिर्फ एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे कहीं अच्छी जगह पर पढ़ लिख जाए और उनके जीवन में खूब तरक्की करे, और इसके लिए वो अपनी सारी की सारी पूंजी अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। तो यदि आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर बच्चों के करियर को ग्रोथ दिला सकते हैं तो आपको एजुकेशन सेक्टर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप हाईली रिटर्न पा सकते हैं। अब एजुकेशन सेक्टर में भी आप बहुत जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप एक स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं या फिर आप एक कोचिंग सेंटर भी चला सकते हैं जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। आजकल बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई अच्छा मिलता नहीं है। अब एजुकेशन सेक्टर का मतलब सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ, साइंस या फिर इंग्लिश ही बच्चों को सिखाएंगे। यदि आपको गिटार बजाना आता है आप वो बच्चों को सिखा सकते हैं, यदि आप क्रिकेट बहुत अच्छे से किसी को सिखा सकते हैं तो आप वो सिखाइए। तो आप इस प्रकार से अपने खुद के इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकते हैं जहां से आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और चौथी सबसे बड़ी जगह जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है मेडिकल फील्ड, जिसकी पहले भी जरूरत थी, आज भी है और जीवन भर रहेगी, और ये फील्ड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। जब दुनिया में कोरोना आया तो लोगों को मेडिकल फील्ड की इम्पोर्टेंस समझ में आई, लोगों को मेडिकल पॉलिसीज की इम्पोर्टेंस समझ में आई कि ये करवाना भी जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यदि आप आगे आने वाले सालों में कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है मेडिकल फील्ड, जहां से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यदि आप 2021 में वाकई में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप इन चार फील्ड में जरूर इन्वेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।